वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 26 अक्टूबर 2024 और 26 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत विकसित 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया। ये हवाई अड्डे किन शहरों में स्थित हैं? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 3 एयरपोर्ट्स डेवलप्ड अंडर दी रीजनल कनेक्टिविटीज स्कीम्स RCS उड़ान उड़े देश का आम नागरिक फ्रॉम वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। दीज एयरपोर्ट्स आर लोकेटेड इन विच सिटीज? फर्स्ट ऑप्शन है रेवा, सहारनपुर एंड गाजियाबाद। सेकेंड ऑप्शन है रेवा, मेरठ एंड अंबिकापुर। थर्ड ऑप्शन है रेवा, सूरत एंड अंबिकापुर। फोर्थ ऑप्शन है रेवा, सहारनपुर एंड अंबिकापुर। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेवा, सहारनपुर एंड अंबिकापुर। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा समर्थित पहल RCS उड़ान खासकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में 7 साल पूरे कर रही है। यह भारत की राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति NCAP 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे नागरिक विमानन मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2016 को 10 वर्षीय दृष्टिकोण के साथ लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को शिमला को दिल्ली से जोड़ते हुए पहली RCS उड़ान का उद्घाटन किया था। इस उड़ान का उद्देश्य देश के वंचित क्षेत्रों में हवाई सेवा में सुधार लाना और आम नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने अक्टूबर 2024 में बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम द्वारा आयोजित मेडिसिन अपडेट BJMFCON 2024 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स JP नड्डा इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ मेडिसिन अपडेट BJMFCON 2024 ऑर्गेनाइज्ड बाई बिहार एंड झारखंड मेडिकल फोरम इन अक्टूबर 2024। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने अक्टूबर 2024 में बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम द्वारा आयोजित मेडिसिन अपडेट BJMFCON 2024 के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड। चलिए इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री JP नड्डा ने बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम द्वारा आयोजित द्वितीय मेडिसिन अपडेट BJFM
कॉन 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री नड्डा ने स्मारक एवं BJMF निर्देशिका का भी विमोचन किया है। बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम बिहार और झारखंड राज्यों के डॉक्टरों का एक सामाजिक वैज्ञानिक संगठन है जो लंबे समय से दिल्ली NCR क्षेत्र में अभ्यास कर रहा है और क्षेत्र के लोगों की सेवा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही भारत की दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? इंडियाज दीपिका कुमारी हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है आर्चरी, सेकेंड ऑप्शन है स्विमिंग, थर्ड ऑप्शन है स्क्वैश, फोर्थ ऑप्शन है शूटिंग। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रही भारत की दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्चरी से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत की दीपिका कुमारी ने मेक्सिको के तलाक्स काला में महिला रिकर्व वर्ग में रजत पदक जीता है। फाइनल में उन्हें चीन की ली जियामन से 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। दीपिका ने सेमीफाइनल में मेजबान देश मेक्सिको की अलेजांद्रा वाल्सेंसिया को 6-4 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। यह 5वीं बार है जब दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में उप विजेता रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, देवराज रॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? देवराज रॉय पास्ट अवे एट द एज ऑफ 69, हु वॉज ही? फर्स्ट ऑप्शन है हिस्टोरियन, सेकेंड ऑप्शन है ऑथर, थर्ड ऑप्शन है एक्टर, फोर्थ ऑप्शन है जर्नलिस्ट। बताइएगा दोस्तों, देवराज रॉय का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑथर थे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वरिष्ठ अभिनेता देवराज रॉय का 69 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। उन्होंने बंगाली सिनेमा और दूरदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया और आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। देवराज रॉय ने 1970 में सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी से सिनेमा में पदार्पण किया और अगले वर्ष मृणाल सेन की फिल्म कलकत्ता 71 में अपने उत्कृष्ट अभिनय से वे घर घर से में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने तरुण मजूमदार, विभूति लाहा और तपन सिन्हा जैसे प्रसिद्ध निर्देशकों के साथ काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में विक्रम देव दत्त ने मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन अक्टूबर 2024 विक्रम देव दत्त एज्यूम दी चार्ज एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन, सेकेंड ऑप्शन है कोल, थर्ड ऑप्शन है टेक्सटाइल, फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट। बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में विक्रम देव दत्त ने मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोल। चलिए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विक्रम देव दत्त ने कोयला मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी श्री दत्त इससे पहले नागरिक विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। वह श्री VL कांता राव का स्थान लेंगे जो वर्तमान में खान मंत्रालय के सचिव हैं तथा कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।
श्री राव ने पहले श्री अमृतलाल मीना कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इंस्टॉल्ड पिंक अलार्म्स एट द गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज फॉर सेफ्टी ऑफ वोमेन? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में महिला सुरक्षा के लिए पिंक अलार्म लगाई गई। यह पहल कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद शुरू की गई थी। जिला कलेक्टर संदीप माकिन द्वारा बनाया गया पिंक अलार्म सिस्टम सक्रिय होने के 5 मिनट के भीतर सुरक्षा और अलर्ट कर देता है। मैटरनिटी वार्ड, ट्रामा सेंटर और न्यू ओपीडी ब्लॉक में स्टाफ ड्यूटी रूम में अलार्म लगाए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह सुविधा प्रदान करने वाला यह राज्य का पहला सरकारी अस्पताल है। पिंक अलार्म सिस्टम जिला कलेक्टर संदीप माकिन के दिमाग की उपज है। अलार्म दबाने पर सायरन बजेगा और 5 मिनट के भीतर सुरक्षा कर्मी मुसीबत में फंसे व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अक्टूबर 2024 में किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया? इन विच सिटी द फर्स्ट कोल गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड एट द नेशनल साइंस सेंटर इन अक्टूबर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चंडीगढ़, फोर्थ ऑप्शन है बेंगलुरु। बताइएगा दोस्तों, अक्टूबर 2024 में किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का अनावरण किया। प्रदर्शनी ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स कोयले के जीवन काल पर आधारित है और इसका उद्देश्य कोयले की खोज, कोयला निष्कर्षण प्रक्रिया, कोयला निकालने के लिए प्रयुक्त तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बाला देवी ने नेपाल में 2024 SAFF महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्हें अक्सर भारतीय महिला फुटबॉल की क्या कहा जाता है? बाला देवी इट हैज हर नेम इन द हिस्ट्री बुक्स बाई बिकमिंग दी फर्स्ट इंडियन वोमेन टू स्कोर हर 50th इंटरनेशनल गोल ड्यूरिंग दी 2024 SAFF वोमेन्स चैंपियनशिप इन नेपाल इन अ मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। सी ऑफन रिफर्ड टू एज द ऑफ इंडियन वोमेन्स फुटबॉल। फर्स्ट ऑप्शन है गोल क्वीन, सेकेंड ऑप्शन है गोल गर्ल, थर्ड ऑप्शन है गोल मशीन, फोर्थ ऑप्शन है गोल मास्टर।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोल मशीन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बाला देवी, जिन्हें अक्सर भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन के रूप में जाना जाता है, इन्होंने नेपाल में 2024 SAFF महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। बाला देवी ने अपने करियर की शुरुआत मणिपुर से की, जहां उन्होंने छोटी उम्र से ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और विभिन्न युवा टूर्नामेंट में प्रशंसा अर्जित की। उनकी पेशेवर यात्रा 2014 में मालदीव में न्यू रेडिएंट WSC के साथ शुरू हुई और बाद में उन्होंने स्कॉटलैंड में रेंजर्स के साथ अनुबंध करके सुर्खियां बटोरी, जहां वे यूरोपीय पेशेवर लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है? न्यूजीलैंड डिफीटेड विच कंट्री टू विंस द वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका को हराकर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया, जब सोफी डिवाइन की अगुवाई वाली टीम ने दुबई के दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर अपना पहला महिला T20 विश्व कप खिताब जीता। न्यूजीलैंड द्वारा रखे गए 159 रनों के लक्ष्यों का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाए। अमेलिया गेयर को प्लेयर ऑफ द सीरीज और प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। यह न्यूजीलैंड का इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का तीसरा फाइनल था और दो सफल प्रयासों के बाद अंततः उन्होंने प्रतिष्ठित ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जिसे वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आयोडीन डिफेंसी डे, आल्सो नोन एज ग्लोबल आयोडीन डिफेंसीज डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे, इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है अक्टूबर 20, सेकेंड ऑप्शन है अक्टूबर 21, थर्ड ऑप्शन है अक्टूबर 22, फोर्थ ऑप्शन है अक्टूबर 23। बताइएगा दोस्तों, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जिसे वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 21 को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, जिसे वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आयोडीन की आवश्यक भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और आयोडीन की कमी के परिणामों पर जोर देना है। इस साल की थीम है दोस्तों, जागरूकता और कार्रवाई के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना। आयोडीन थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोन T3 का एक आवश्यक घटक है, जो चयापचय को नियंत्रित करता है और भ्रूण तथा शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।